नानू ने डर के मारे जो है ना वो बोल रहे थे बार बार नीली शलवार कमीज वाले को बुलाओ ना, मेरे पापा ने सिर्फ घर में नीली शलवार कमीज पहनी थी। तो नानू ने कपड़े बदलवा के और साथ वालों के घर में ना होल से जंप करवा दिया मेरे पापा को। पठान थे वो लोग और उन लोगों ने मुँह पे कपड़े बांधे हुए थे, उनके पास बड़ी बड़ी तलवारें हैं, छुरे थे। लेकर जाकर सड़क पे फेंक दिया मार के, चार गोलियां उनके पेट में सर पर, इतनी तशद्दुद ज़्यादा उनकी लाश है कि हम पहचान नहीं पा रहे। मैं मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है, ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, हमें बता दिया जाए कि ये हम कैसा मुल्क है जहाँ भी हम जी नहीं सकते, क्या करें हम इस मुल्क के लिए, हमें बताया जाए। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे वहाँ पे वो जंग मची हुई है, मुझे आग चल रही है हर तरफ, हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, खाना कहाँ से खाएं, मुझे समझ में नहीं आती, बाहर नहीं निकलेंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे, मुझे समझ में नहीं आती हम क्या करें इस चीज़ के लिए। इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया और मार मार के घर से निकाल के लेके गए हैं, तो इतने ज़्यादा तकरीबन 30 अफराद हमारे घर में घुसाए और जिनकी शनाख्त में पठान शनाख्त होती है, जिनकी पठान जात से होती है। जी अकलियती होने की वजह से जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे सिर्फ हम अकेले क्रिश्चियन हैं 25-30 हज़ार आवाम के अंदर, लेकिन हमें नहीं लगता कि अब हम महफूज हैं वहाँ पर, हम वहाँ पे अब जा नहीं सकते हैं क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हमारा जो है वहाँ पे अब रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप वापस नहीं जाएंगे? नहीं, हम उस घर में अब वापस नहीं जाएंगे क्योंकि उस घर में रहना हम नामुमकिन सा हो गया है। एक गलती को हम रिपीट नहीं करना चाहते बार बार, अब मैं अपनी बच्ची को या अपने आप को मरवाना नहीं चाहती बस। तो आप समझती हैं कि कातिल गिरफ्तार हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता क्योंकि जब मेरे शोहर को कत्ल किया गया तो सब लोग देख रहे थे, सब कुछ, सबको सब पता था, पुलिस रेंजर सब कुछ मालूम है, लेकिन कोई कुछ, किसी ने कुछ नहीं किया उनके लिए। वो तड़प तड़प कर सड़क पर उन्होंने जान दे दी लेकिन किसी ने कुछ ना किया उनके लिए। अब मैं और इसके मजीद कुछ नहीं कह सकती। आप लोग तशद्दुद किया मेरे बच्चे थे, मेरा बच्चा इंजदा नहीं है, किसी तज़ीम नाल नहीं होता तलक, फिर भी दुश्मन ने मार छेड़िया मेरे बच्चे ने। मेरे शहर विच जिन्ना जी कार कार वैन पवाए पहरेदारा कोई पूछ लो वो किड़े रहा है, पहरेदार जो है हमारे अपना फेडरल गवर्नमेंट है, इनसे पूछा जाए। अगर मैं समझता हूँ अगर उन्होंने हमारे भाई के कातलों को गिरफ्तार करके करार वाक़ सजा ना दी तो पाकिस्तान मसीह तोहाद जो है वो मुलगीर एहतजाज करेगी।